नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के महलनुमा आवास में जश्न मना रहे थे। पांचवी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर उनकी कैबिनेट के खासम खास उन्हें बधाइयां देने में जुटे थे, लेकिन पुतिन के महल से महज 24 किलोमीटर दूर मॉस्को के बाहरी इलाके में कोहराम मचा था। मॉस्को के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर क्रॉसनोगोर्स्क में आतंकियों ने एक समारोह पर हमला कर दिया, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर से निंदा हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी। यूक्रेन पल्ला झाड़ रहा है कि हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का एक धड़ा उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। मॉस्को के बाहरी इलाके का क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स शुक्रवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। यहाँ पिकनिक नाम के एक रूसी रॉक ग्रुप के कार्यक्रम का आयोजन होना था। कॉन्सर्ट शुरू होने से ठीक पहले सेना की वर्दी पहने 4 बंदूकधारियों ने यहाँ आए लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले के दौरान हॉल में 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रॉक ग्रुप स्टेज पर परफॉर्म करने ही वाला था कि उससे पहले ये हमला हो गया। इस दौरान इमारत में आग लग गई और इसकी छत का एक हिस्सा भी गिर गया। आतंकियों ने विस्फोटक से हॉल में धमाका किया था, जिससे वहां आग लग गई। हमले के बाद रूस के विशेष पुलिस बल ने मोर्चा संभाला, घायलों को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आतंकी भाग गए। उनकी तलाश जारी है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस में ये 2 दशक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि ये एक आतंकवादी हमला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घृणित अपराध की निंदा करनी चाहिए। मॉस्को के मेयर ने हमले के बाद मॉस्को में होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मॉस्को में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमले की निंदा अमेरिका ने भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले को भयानक बताया, लेकिन पहले खबरें ये आ रही थी कि बाइडेन इस घटना को लेकर रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात करेंगे। अब व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के नेताओं ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कोई बात नहीं हुई है। मॉस्को जैसी आतंकी घटना पर बर्फ नहीं पिघली है। अमेरिका का पहला बयान आया तो उसने यही कहा कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले का यूक्रेन युद्ध से संबंध होने का कोई संकेत नहीं है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि उसने मार्च महीने की शुरुआत में ही रूस को आगाह किया था कि रूस में भीड़ भाड़ भरे कार्यक्रमों पर आतंकी हमला हो सकता है। अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की थी। अमेरिका के मुताबिक पुतिन और रूस की सरकार ने इसे भी प्रोपेगेंडा समझा और उस पर ध्यान नहीं दिया। 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। दुनिया साफ तौर पर 2 धड़ों में बंट चुकी है। पुतिन रूस में 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन मॉस्को की दिल दहलाने वाली घटना ने फिर तानाशाही सरकारों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें सिर्फ अपने हितों और अपनी सुरक्षा की चिंता की जाती है। देश की भोली भाली जनता की जान की परवाह शायद किसी को नहीं होती। मॉस्को हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है, उस इस्लामिक स्टेट ने जिसे करीब करीब खत्म कर दिया गया है। एक समाचार एजेंसी पर इस्लामिक स्टेट का जो बयान है उसमें कहा गया है कि उसने क्रॉसनोगोर्स्क शहर में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया है। दुनिया के कई सुरक्षा जानकार ये कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट में मॉस्को की अभेद सुरक्षा भेद कर अब इस तरह के हमले की ताकत नहीं बची है। जिस वक्त मॉस्को में आतंकी हमला हुआ, उसी वक्त यूक्रेन के सबसे बड़े बांध पर रूसी हमले की खबर आई थी। 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में इतना खून बह चुका है, इतने बेगुनाहों की जाने गई हैं, इतनी संपत्तियां तबाह हुई है, दुनिया का सच्चाई और प्रोपेगेंडा में फर्क करने का भरोसा उठता जा रहा है। दुनिया इंसानियत से चलती है, लेकिन इसकी परवाह शायद ही किसी को है। मॉस्को की घटना के बाद ये सवाल और गहरा हो गया है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले से जुड़ा अपडेट और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।